इस चैप्टर के जो अब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, 15.2 आपका बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी के साथ साथ जो सोलेनोइड वाले 15.7 और 15.8 हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। उसके बाद अगर इसी तरह से हम नीचे आए तो ये लास्ट जो आपका कॉपर रिंग और कॉयल वाला जो न्यूमेरिकल है, ये दोनों तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स। तो कौन से न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं सबसे पहले वो मार्क कर लें, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, सिर्फ लास्ट न्यूमेरिकल स्किप हो रहा है, बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इंक्लूडेड हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो आप मार्क कर लें। जो सबसे पहला है 16.1 अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 16.5 न्यूमेरिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16.5 के बाद ये जो बाकी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जांपल्स इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ, तो उसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लें इनमें से इंक्लूडेड कौन कौन से हैं। बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल्स इसमें से इंक्लूडेड हैं, 17.1, 17.2, ठीक है, बस ये दो न्यूमेरिकल्स इसमें से इंक्लूडेड हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि इन दोनों में से कोई भी न्यूमेरिकल को आप स्किप ना करें, तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में से मेरी आपके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि इसके बहुत थोड़े से ही न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं, वो हैं 18.1, ठीक है, 18.4 और 18.5। सिर्फ ये तीन न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं, और आप इन तीनों में से किसी एक को भी स्किप ना करें। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 18 के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, तो इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आपके इंक्लूडेड हैं पहले वो आप मार्क कर लें, ठीक है। 19.3, ठीक है, 19.4 भी है, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9 और 19.10, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। अब इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 19.3 है, 19.4 है, ये दो न्यूमेरिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये जो 19.8 है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इनको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के आपके जो न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं पहले वो मार्क कर लें। 20.1 इंक्लूडेड नहीं है, 20.2, 20.3, उसके बाद 20.7, 20.8 और 20.9 और 10, ठीक है, ये इंक्लूडेड न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो डियर स्टूडेंट्स 20.3, ठीक है, और 20.10, ये दो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पेपर्स में आए हैं, इसलिए आप इनको किसी सूरत मिस ना करिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 21 में से जो न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं पहले जल्दी से वो मार्क कर लें। इंक्लूडेड न्यूमेरिकल्स हैं आपके आपका 12.1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपके इंक्लूडेड हैं। और ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हाफ लाइफ वाले, एनर्जी वाले और डिके वाले, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनमें से किसी को भी आप स्किप ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा मजीद जो मैंने लेक्चर्स में डिस्कशन की है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के हवाले से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से, अगर आपने स्किप कर दी है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वो लाजमी व्यू कर लें, ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो और फिजिक्स में आपके बेस्ट 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 मार्क्स स्कोर हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने मार्क्स आप फिजिक्स में स्कोर करेंगे उतने ही आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में मार्क्स लगेंगे, और जितनी ओवरऑल परसेंटेज आपकी बनेगी उतनी ही परसेंटेज आपकी ग्रेड इलेवेंथ की मार्क की जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और गोल्डन टाइम है, प्लीज आप बहुत ज्यादा फोकस करें, और टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ,
और AHA असिस्टेंट्स के साथ जुड़े रहें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें बेस्ड ऑन लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर्स एंड व्हाट्स नॉट, ऑल अबाउट एजुकेशनल अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.